भांड मरासी नहीं होते, उनको फनकार कहते हैं। वैसे आप भी तो पढ़े लिखे भांड, ओ सॉरी फनकार, फनकार है मेरा फनकार, मतलब है तेरे सिर नु सजाया लाके फूल कलियां। आप लोगों से बात नहीं कर, ना करो यार ना करो, जिवें गन्ने चुपण वाली बिल्ली होंदी है। इसको यहाँ से भेज दे प्लीज। नाश्ता लाओ, मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना जान रैम्बो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को टिन करके दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो और हर शो सबसे पहले आपके पास आए, नोटिफिकेशन आए, आप फौरन देखें और इन्जॉय करें। फीडबैक देते रहिएगा। आज हमारे शो का मौजू है, शादियाँ पहले घरों में होती थी, फिर शादी हॉल्स में चली गई, फिर दो दो चार चार कनाल की कनोपीज लगती हैं, डेकोरेशन वाले आते हैं वो डेकोरेशन करते हैं, शादी टोटल चेंज होकर रह गई है। तो बहुत सारे इसमें शोबे जो हैं वो काम कर रहे होते हैं जी। तो आज हम शादी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आती हैं जनाब हमारे साथ, एक बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट हैं जो डेकोरेशन करती हैं, वहाँ सजावट करती हैं, वेडिंग प्लानर हैं हमारे साथ, तशरीफ़ लाती हैं मिस फरीहा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल प्यारी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये आप जो सजावट करती हैं, सबसे पहले मेरे बताएं कि सेट वेट ठीक है मेरा? वैसे तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप हमें खिदमत का मौका दे तो हम इसको मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। ये तो आप दूसरे की तारीफ नहीं करनी, बस वो होता है ना कि हम लोग अपने काम पे, हमारा काम सब सारी दुनिया जानती है। चले ठीक है, वो आप सजावट करती हैं बहुत अच्छा करती हैं, मैं मजाक कर रहा था। और अच्छा, इसके सुना है आप पैसे बड़े अच्छे खासे लेती हैं। हम जो शादियों को रिप्रेजेंट करते हैं जिस स्टाइल में, वो आजकल के दौर के अकॉर्डिंगली वैसे ही चलती हैं। आपके ख्याल में आज से 10-15-20 साल पहले जो घरों में शादियां होती थी वो खराब होती थी, अच्छी नहीं होती? वो भी अच्छी होती थी, लेकिन वो दौर और था। ठीक है, लेकिन आज का दौर जो है, आज के दौर के हिसाब से हम काम करते हैं। हम लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इतना अच्छी अरेंजमेंट करते हैं सारे सिस्टम के अकॉर्डिंग, बहुत बड़ा अच्छा जी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन बड़े मजे की बात है। देखें, पहले जो था ना कि घरों में खाने बनते थे जी, घर की खवातीन खाने बनाती थी शादियों के, और नाचने गाने वाले बाहर से आते थे। आजकल खाना बाहर से आता है और गाने बजाने का काम घर वाले खुद ही करते हैं। आइटम मैं करांगा। मेरी बात पूरा क्लियर करने दें मुझे। उसमें भी तो उनको कोरियोग्राफर की जरूरत पड़ती है, वो उनको पूरा गाइड करते हैं, उनका अपने इवेंट को किस तरह से उन्होंने एंजॉय करना, ये तो उनकी एक्टिविटी होती है। उसमें जनाब अपना पप्पू सम्राट और ये जो अपने निगाह हुसैन है, इनकी भी दिहाड़ियां लग जाती है। नहीं, अब मेरी बात सुने, मेरे असल मुद्दे की तरफ आए। हम लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, उसमें सिंगर्स भी होते हैं, केटरिंग भी होती है, डेकोर भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसमें ये जो भांड मरासी और ये गढ़वी वाले मांगने वाले आके सारा हमारे माहौल का खाना खराब कर देते हैं। भांड मरासी नहीं होते, उनको फनकार कहते हैं। वैसे आप भी तो पढ़े लिखे भांड, ओ सॉरी फनकार है मेरा फनकार, मतलब है जी, सारे फनकार। देखिए मेरी बात, आप इनकी बात कर रहे हैं, देखो आप पे भी है, आप इनको कह रही हैं, आपका हाथ क्यों यूं गया है? मैं आपकी तरफ देख के ऐसे कर रही हूँ। अच्छा, लेकिन वो भी फनकार होते हैं। देखिए फनकार तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये बिन बुलाए मेहमान जो की घुस जाते हैं हर फंक्शन में और आके कभी दूल्हे को जुकते लगा रहे होते हैं, हमारे क्लाइंट हमारे सर पे होते हैं कि इतना अच्छा इवेंट था, ये लोग कहाँ से आ गए, कैसे आ गए। ये तो आप ठीक कह रही है कि वो जुकते करते हैं, ये उनका काम है, लेकिन उन बेचारों को ये नहीं पता कि किसको जुगत कर दिया, और दूल्हे के बाप को ही क्या देते हैं, मुंह देखो जिवें बिल्ली को मार के कंध नाल मारी। यही तो बात मैं कहना चाह रही हूँ ना, देखें जिनकी बात कर रही है उनको भी मैंने शो में बुलाया, आप तशरीफ रखिए, मैं उन्हें बुलाता हूँ। भरपूर तारियां जी। तो मेरे अगले मेहमान हैं, आउंदियां नसीबां नाले ए घड़ियां, आउंदियां नसीबां नाले ए घड़ियां, तेरे सिर नू सजाया लाके फुल कलियां, कल रात तक लग जान हाथ कड़ियां, नाले हाथ कड़ियां ते नाले पूरियां कड़ियां। माशाल्लाह, रैम्बो साहब तो देख लो जो पहली क्लास का टीचर हुंदा है, रैम्बो साहब वेलो जो पंजाबी अंग्रेज हुंदा है, रैम्बो साहब वेलो तो अपना जी है। तू ये देख ले भी
अपना खून जिथे हो जोश मार के अगे आई जी। मैं क्या बात है, क्या बात है, सानू पंडा नु भी बुलाया, सानू कौन बुलाऊंगा जे? नहीं 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 नहीं, मैं आपको अपने शो में बुलाऊंगा, बुलाता रहूंगा। हाथ इंज ना ना करो, बाहर कट के रखो, किस टाइम जरूरत पै दिन दा दुबई चे बंदे सिर्फ होटलों च पिज्जा पहुंचाते होंगे ने, अच्छा आपका आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मेरे शो में तशरीफ लाए, ये नहीं चाह रही थी कि आप आए, लेकिन मैंने आपको बुलाया। मैं कहना था कहा था ना ये लोग आके ऐसे माहौल खराब करते हैं। देखो माशाल्लाह सोने का बटेरा होता है, आहा माशाल्लाह कुड़ी तो देखो जे 3 रुपए वाली पतंग होती है, सुभान अल्लाह, क्या करें छोटी लिपस्टिक होती है। आप लोगों से बात नहीं करते, ना करो यार ना करो, जिवे गन्ने चुपण वाली बिल्ली होती है। बहुत मुताबर रखे तू देते कुड़ी साढ़े लोग कहती है ब्याह आके खराब कर दे, दूर रखे चल पर आपने भी मुझे इस तरह के लोगों को बुलाना था तो मुझे आप ना बुलाते। नहीं क्यों नहीं बुलाना था, देखें आप ये हमारा शो कैसा जा रहा था, इनके आने से कितनी रौनक लगी, पूछे पब्लिक से पूछे, इनकी तालियां सुने, ये देखें माहौल खराब हुआ है। देखिए काम तो अच्छा करते हैं लेकिन उनका तरीका अच्छा नहीं है, देखिए कितनी बदतमीजी करके गए हैं। तरीका अच्छा नहीं, ऐसी चूत करते हैं, तेरे वाल पुट देते हैं। मैं चली जाऊं? नहीं नहीं आप बैठिए, आदल ही चला जाना, बीबी सारे भांडे धो के जाने हैं, तू ये बर्तन धोने वाली नहीं है। ये जो शादी पे सारा अरेंजमेंट होता है वो यही करवाती है। असी जिनी देर ना हो ये लाड़े दे नहीं पता लगता भी लाड़ा कौन है ते लाड़े दा प्यो कौन है। पुरानी शादियों के लेकिन नाले पूरे ब्याह दे विच कोई साड़ तो अलावा नहीं कर सकता, क्या कर हां 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 ऐसा लाइफ है। ए तुसी भी कर लेना ना, ए तुसी भी कर लेना, मैं इनाम देंगा इनू, कहो करके भागे चल कर। देखिए मैं अनपढ़ लोगों से ज्यादा बात नहीं करती। ओए अनपढ़ नु छड़, तू बीए च है ना, तू चल बीए च कर के कर, हुण नहीं ना करण दे, यकीन कर 2 घंटे बाद घर जाके शीशे दे अगे खलो के एक बारी जरूर करेगी। आपकी वजह से आई हूँ यहाँ पर। अच्छा इजाजत है, मैं अगले मेहमान को बुलाऊंगा। जनाब रोटी खोलनी है, तुसी करो जी। अगले मेहमान है जी शादियां मांगने वाले। एक करेक्टर ऐसा होता है जब बारात निकलने लगती है गाड़ी के आगे लेट जाते हैं, शीशे खटखटाते हैं, पीछा नहीं छोड़ते जब तक वो कुछ ना कुछ ले ना ले। तो तशरीफ लाते हैं बूटा। आए भाई मैं तेरे को 5,000 का क्यों घंटा हो गया तेरी गड्डी पीछे मैं दौड़न दिया, मैं शीशे तोड़े खड़काए तो मेरी एक नहीं जी सुनी, अरे मेरे पैसे में लेके जाने दे। यही तुम लोगों की बुरी आदतें हैं, पीछे पड़ जाते हो, पीछे पड़ जाते दूल्हे के कपड़े फाड़ देते हो बेचारे को, पकड़ के दे मैं तेरे को लेना, तेरे को लेना। तो दूल्हा दा प्यो ने देवे तो तुसी भी ने देवे तो नाल साडे कपड़े फाड़ जाण, तो उनके पीछे क्यों पड़ जाते हो? हाय है पीछे पवांगे तो सानू मिलणगे ना, सानू बच्चा रवेगा तो मां दूध दिंदी है। तेनू केड़ी मां ने दूध देना किसे देखो कुड़ी दा कल भरे नालके ते बैठन दई जान, तुमने तो कहा था मैं लिबर्टी तुम्हारा इंतजार करूंगी, यहाँ क्या बदतमीजी कर रहा है? बदतमीजी नहीं करो, इसे कहे मुझसे थोड़ा दूर होकर बैठे, नसीबा च नहीं है दे दे भाई जी सानू भी कोई पैसा दे। अच्छा जी
आप इनके बारे में कहती थी कि ये आगे शादी खराब करते हैं। मैं अभी भी यही कह रही हूँ। और ये जो है बारात जाते हुए रास्ते में गाड़ी के आगे लेट के पैसे, ये तो बेड़ा गर्क ही कर देते हैं ना। बीबी तुसी मुतमिन कहते को भी बेड़ा गर्क कर देने तो भी बेड़ा गर्क कर। पर आई शादी को खाला जी का बेड़ा समझ लेते, तंबू उठाते हो नीचे घुसाते हो फ्री का खाना खाने आ जाते हो। मौला मैं आज तक तंबू उठा के थलो नहीं बड़े आके जान छोड़ो इन झगड़ों में पड़ो। हेलो मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ, सानू क्यों इज्जत दे रहे हो? सानू कभी जमन आले ने इज्जत नहीं दी, सानू कभी व्याह आले ने इज्जत नहीं दी, सानू तो कभी शादी हाल आले ने इज्जत नहीं दी। यार देखो आप लोग भी फनकार हैं, आपकी भी इज्जत करना फर्ज है। सानू भाई इज्जत ना दे, तेरी खार बस हम कैश दे, साडे कपड़े पाड़, साडे ते मिट्टी पा दे, सानू बुझिया कोलिया दे उत्ते सुट दे, सानू भखदी देग दे विच तुन दे, एनू मुंह ते गंदियां गालां कढ सानू पैसे दे, इहदे मुंह ते नाल गालां भी कढ नाल चपेड़ा भी मार। तुहाडियां गल्लां मुक जाण ते नीला लोट मैनू देणा। ओला नीला नोट तैनू देना मैं, ओ काले मुंह वाले नीला लोट मंगी जाण दे आ। ओ भाई सानू पैसे दे, बस पैसे दे, पैसे मंगी जा रहे, जड्डी अच्छी जगह ते बैठा मरे कुछ होर मांग, अल्लाह कोलों इस टाइम इज्जत मांग जी। जान पीना कलाडा मंगवाओ, पीना कलाडा। क्या मंगवा? मैं लीला लोट लेना तुहाडे कोलों, लीला लोट लेना। अच्छा जी, इनकी शिकायत भी यही है और सबकी शिकायत यह है कि आप शादी में एकदम घुसते हैं और देखते नहीं है कि सिचुएशन क्या चल रही है, निकाह हुआ है, रस्म हुई है, नहीं हुई, भुर्र लाई खैर पाग लगे रहे, तेरी खैर डबरा काटा डबर ठा ठा, लाड़े नू वेखो, लाड़े का मुंह देखो, लाड़े के प्यो का मुंह वेखो, वह कि सुकी चांप होंगी। असली कम तो तुहाडा साडा ते एवें ना ही लगा है, क्या ओ यार क्या बदतमीजी है ये। नहीं भाई जी असी ते ना दे भांडा, असली भांड ते तुसी निकले भाई, और पठाना च भांड बड़ी मुश्किल निकलदा ही। नवी आजाद निकल हो गई, तब्दीली आ गई है इस मुल्क च। भाई पहाड़ा दे विचों अखरोट निकल आउंदे सी, बादाम निकल आउंदे सी, पिस्ता निकल आउंदा सी, किशमिश निकल आउंदी सी, ऐ भांड पहली वारी निकले आई। क्या बात है, तू ऐसे क्यों शोर मचाते हो? भाजी साडी जॉब है वे, साडा स्टाइल ही है वे, असी ऐ ना करिए ते अचानक लोगों दा ध्यान ना पवे साडे ते। और ओनी देर साडे वल फोकस नहीं हुंदा जिन्नी देर तक आप अगर आके ये कह दें कि यार अस्सलाम वालेकुम, अगर रस्म हो गई है तो 5 मिनट हमें दे दें, हम जरा मैनू ये दसो कि असीं उत्थे भांड पौना करन गए हैं जनाब, को उधर फौतगी की तलाश देन गए हैं, जरा 5 मिनट देखें चाचू रफीक की फौतगी, ये भी रस्म ना करें। जनाब वाला तुसी बड़े थिएटर ड्रामे कीते और कीते भी ने, देखे भी ने, उत्थे लाफ्टर जो क्लैप हुंदा है उत्थों अंदाजा लगता भी केड़ा बंदा हिट है केड़ा बंदा फ्लॉप है। तो साडा काम ऐसा जे इत्थे जितनियां ज्यादा भजन उदों पता चल जाए कौन हिट जे और कौन फेल जे। अच्छा जितनी मार पड़े तो इसका मतलब है क्या? करना फरे ला जांदे ने, सोजा पै जांदियां, फिर कलैपा हुंदियां, फिर कितें जाके पैसे हुंदे ने। नहीं यकीन हैगा ते ओनू पुछो ना जी, खैर होवे ओ दसदा क्यों नहीं पिछे नूं मूंह करके दौड़न वाले कुत्ते, दस ओनू पिछे नूं मूंह करके भला क्यों दौड़दा है, क्यों अगे अगे कोई होर दौड़ रहा हुंदा है। क्या कहने क्या कहने, काले मुंह वाला बंदा नीला लोट मंगन दिया। आराम ना गल कर बाऊ, मैं मार के मुंह ते मैं तेरे दंद पान देंगा। तेनू किन्नी ककल होगी, मरे सानू भी बाऊ कहने आ, दूर फिरने खड़े हो बाऊ ऐ बैठे ने, ते बाऊ को जरूरी नहीं हुंदा जेड़ा पढ़े ही होवे। हम मरे तू ले मौला दी जात, ये, मरे ये बातें होती हैं, ये हला हला हुआ कर दें लग जाते हैं फंक्शंस पे जाके, सारा उसका टेंट्रम तोड़ देती हैं, भाई पता नहीं चलता क्या उसको क्लाइंट को। बीबी ठहर जा, पेस्ट्री मुझे बात करने देते हैं भैया, इस नाल गल करी मेरे नाल, मैं आपसे बात नहीं कर रही, मैं बस आपसे बात कर रही हूं। चुप करके बैठी रह, मरे पेस्ट्री चुकन वाली चिमटी हुंदी है, ये देखिए बात करने की इनको तमीज नहीं है, सारा जाके इवेंट हमारा स्पॉइल कर देते हैं, और वहां क्लाइंट हमें कंप्लेन कर रहा होता है कि देखो कैसे लोगों को आप लोगों ने इन कर दिया है। अच्छा जिंदगी तुम क्यों इनसे मुंह लगाती हो? जिंदगी
चिप्स खाई थी सही सही दस मैं चार टीके लावांगा फौरी कहती मैंने पिज्जा खाया था कहना दस दिन मैं अठ टीके लावांगा फौरी कहती या मौला मैं टींडे खा के आई अगले की बेइज्जती शुरू कर देते हो एक बंदा तुम्हें कहता है फाड़ 1000 रुपया उस बंदे की बेइज्जती कर दे और आप इतनी इतनी बुरी जुगते करते हैं मुंह वेख लो मुंह इंज होया भाई करिए ना अगले का 1000 इन्वेस्ट होया हुंदा जी तुसीं जे सानूं हुण 5000 रुपया दे के मौला खैर करे कहो कि कैमरामैन जुगता करो लो असी लीला ला देंगे अद्धा घंटा उहदे जुगता इस कैमरामैन अगर जुगत करो तो की करोगे वो खैर होवे जो कलवंजी का हलवा बना के रखे सरताज प्यार दी निशानी देख लो ए अब्बा जी ने आगे नु देखिया देख के कहंदे प्यार दी निशानी नहीं ते क्यामत दी निशानी है जो पैदा होया राती 2:30 बजे 3 बजे ना करपलोस आ गई सी वो क्यों कहंदे तुहाडे नाल दस्ती बंब होया जी बल्कि ए अब्बा जी दुबई चले सन ये छोटा जिहा सी ए अब्बा जी देख के इहनू गाना गाउंदे ने केड़ा गोरिये मैं जाना परदेस प्यार दी निशानी रखी चूल्हे च लुका के किन्ना बच्चा पुन्या है वेखांगा मैं आके वेखांगा मैं आके काले आ तेरे कोलों दाई से मैं भी कहां इधरों ततियां हवावां आई जा रही है मैं तो समझ नहीं आ रही मैं कहा हरे को हैवी लैट लगी है। अच्छा होता यही है उस बेचारे की बेइज्जती हुई है लेकिन सब हंस रहे हैं और मैं भी हंस रहा हूं नहीं तुसे हसो ये तो बेइज्जती नहीं हुई जनाब है तुम्हें इतला दी गई है कि सारे चंगे बंदे रखे ने बेचा की कसमैला जा रहा है आप ये बताए जब शादियां नहीं हो रही थी तब आप क्या कर रही थी बीमारी बड़ी भैड़ी बीमारी तेन बीमारियां लगनिया तेन 1,40,000 बीमारी लगी मरे बीवी ने रजाई पाके पैक करके रख दिता कि तेरी वजह तो पूरे महल च बीमारी ना फैल तू तो अंगड़ाई लवे 3,00,000 जम्स थले डिगदा ही अच्छा यार आप लोग अगर ये लोग तंग हैं या दूसरे लोग तंग होते हैं साडे कोलो तंग है कौन है खैर होवे आप ए बीबी तंग है अल्लाह माफी देवे धुआं जमा करने वाली हुकी मैं तो बड़ा खुश है ताडे कोले बहुत खुश है असी दो जी ने थे रहने नहीं ताडे सामने दो ने किस तरह नहीं रहना आप क्या लगते हैं जंगाल वाला ठीपा हुंदा मरे जा पानी च मुक्का मारया हुंदा जी भाई अच्छा यार आप लोग ये थिएटर कर लिया करें ना आराम से एक्टर जिन्ने पैसे उन्होंने 15 दिन च लेने होंगे ने एक जज तो कठे कर लिया दिन इतने पैसे हो जाते सही गल है क्या बात है रैम्बो जी क्या बात है वाकई इतने पैसे हो जाते हैं कुड़ी नु भी ले जा सकते हैं चमोटे दी जगह ते इनु फड़ सकने हैं देखिए ना जब हमारे बड़े बड़े इवेंट्स में इस तरह से घुसते हैं और फिर पैसे तो लेके निकलेंगे ना कि लोग इनके मुंह लगना पसंद नहीं करते जान नाश्ता लाओ
हले किसी ने जूठा छड़े नहीं तेन कितों लिया दे नाश्ता लो मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ छोड़ दूंगा अगर मेरी बात ना मानी मैं तुझे तलाक भाई जी नदीम कदों यतीम है लाल लोट दे दे जेड़ा मर्जी लोट दे दे मेनू बीबी तू इन समझाउंदी क्यों नहीं सारे काम अच्छे हैं मेहनत से करते हैं लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जरा अपना अब हुलिया चेंज कर लें क्योंकि अब जरा जमाना गया है बदल शादियां पहले होती थी घरों में फिर होती थी शादी हालों में अब बड़े बड़े कनोपियां लगी होती हैं लाखों की डेकोरेशन हुई होती है तो वो ना ना इतना खर्चा करन सानू तो नहीं लगा विच हो गया आप जरा अच्छे कपड़े पहन के जरा तमीज से चले जाएगा बल्कि आप इनके साथ एग्रीमेंट करें ऐसे लोगों को आप लेके जाएगा देखिए अगर ये अपना हुलिया संवार लें और तमीज से बात करेंगे तो इनको कोई मुंह लगाने के लिए राजी भी होगा बीबी सिकंडा वाली सुई हुंदी है तमीज हुलिया भी संवार लेना और तमीज ना भी बोलूंगा फिर तो तुम सानू अपने नाल लेके जाओगे हाँ इस बंदे के बारे में कुछ सोच सकती हैं वो तो बदतमीजी से बाज नहीं आ रहा वाह वाह मैं अपने मकसद च कामयाब हुंदा नजर आ रहा हूं तो बर्बादी भी तो तेरी होनी है साडी तो नहीं होनी एडी सोहनी बर्बादी नहीं यानी आपने अपने आप को बदलना नहीं है उन्हें नहीं ओदे हल ते वेखो ना अल्लाह माफी देवे बकवास मत करो मैं तुम्हारी हलक से जुबान खींच लूंगा यार एक मिनट तुम मेरी एक मेरी बात खवातीनों हजरात इनकी लड़ाई चलती रहेगी शो का वक्त खत्म हो गया इंशाल्लाह अगले शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए खुदा हाफिज रब रखा यार बस कर दे यार बस कर दे मेरी एक मिनट मेरी यार की बकवास है यार नीला लोट बस कर दो यार